नमस्कार, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से मैं नीता देवलिया आपका स्वागत करती हूँ। हर प्रदीपिका में वर्णित आसनों के क्रम में जो आज का हमारा अभ्यास है वह मशेंद्र आसन का आठवां अभ्यास है। तो आइए किस प्रकार आपको करना है यह जान लें। हर प्रदीपिका में जिस आसन का वर्णन है वह कुछ कठिन अभ्यास है, तो प्रारंभ आप किस प्रकार करेंगे हम यह बताएंगे, और उसके पश्चात जो हर प्रदीपिका में वर्णन किया गया है उसकी अंतिम स्थिति का हम आपको अभ्यास करके दिखाएंगे। सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में आप दोनों पैरों को इस प्रकार से सीधा कर लेंगे। हट प्रदीपिका में वर्णित जो विधि है उसमें आप अपने दाएं पैर को इस प्रकार से जंघा के ऊपर रखते हैं, परंतु अभी जो हम अभ्यास करेंगे हम जंघा के नीचे रख लेंगे और धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के बाहर की ओर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से हम रखेंगे। दोनों नितंब आपके जमीन पर रहें और आपको अपने शरीर पर ऐठन उत्पन्न करनी है, यानी आपको अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़कर, यदि आपने अपना बायां पैर ऊपर रखा है ऊपर की तरफ, घुटना आपका ऊपर की तरफ है, तो आप अपना दायां हाथ उसका विपरीत जो हाथ है उस प्रकार से लेकर जाएंगे और कोहनी से सर्वप्रथम इसको अंदर की ओर दबाने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात आप दोनों पैरों को घुटने के साथ साथ आप इस पैर को भी और अपने बाएं पैर को भी इस प्रकार से पकड़ लेंगे। जो अंतिम स्थिति है उसमें आपके हाथ की स्थिति का वर्णन नहीं किया गया, तो सामान्य स्थिति में आप सपोर्ट के लिए इस हाथ को पीछे रख सकते हैं या चाहे तो मोड़ कर भी रख सकते हैं। श्वास भरते हुए पूरे कंधे को पीछे की ओर आप इस तरीके से बाईं ओर प्रेस करेंगे, बाईं ओर ऐठन देते हुए गर्दन पीछे की ओर रहेगी अंतिम स्थिति में। आंखें बंद, तीस सेकेंड से एक मिनट तक आप यह अभ्यास कर सकते हैं। अधिक से अधिक आपके उदर पर दबाव बना रहेगा, शरीर पर ऐठन रहेगी। वह पुनः अभ्यास पूर्ण होने के बाद सामने की ओर देखते हुए हाथों को खोल लें, पैरों को सामान्य स्थिति में लेकर आए। इस प्रकार से हम अभ्यास करते हैं। जो इसकी स्थिति बताई गई है जंघा के ऊपर यह कुछ कठिन है, इसमें आपके शरीर पर अधिक से अधिक खिंचाव व दबाव उत्पन्न होता है। तो आप एक बार देख लीजिए इसकी अंतिम स्थिति किस प्रकार है, आप चाहे तो इस प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से आपको इस प्रकार से पैर को मोड़ना है, ऊपर की तरफ रखना है और जब आप पैर को ऊपर की तरफ इस प्रकार से रख लेते हैं जिससे भी आप सुविधा महसूस करते हैं आप उससे अभ्यास कर सकते हैं, तो दूसरे पैर को आप अपनी जंघा की इस प्रकार से बाहर रखेंगे। बाहर रखकर आप पुनः इसको इस प्रकार से दबाएंगे।